अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और दूसरी बार के कार्यकाल में आपने देखा होगा, पहले 100 दिन के अंदर इस देश के अंदर आतंकवाद की प्रतीक धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो गई। कवि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जब कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लगाई थी तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, और तब उन्होंने कहा था कि धारा 370 लगाने के लिए देश आजाद नहीं हुआ है, भगवान बिरसा मुंडा ने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान इसलिए नहीं दिया। जब कश्मीर में धारा 370 लगा करके देश के शेष नागरिकों को कश्मीर जाने से रोक दें या कश्मीर के विकास को बाधित कर दें, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात का विरोध किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने में लगभग 67 वर्ष लग गए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हुई। लेकिन भाइयों बहनों, धारा 370 का समर्थन कौन लोग कर रहे थे? या तो कांग्रेस कर रही थी, या आरजेडी कर रही थी, या झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही थी, और या फिर पाकिस्तान कर रही थी। जिस कार्य में पाकिस्तान खुश होगा, क्या वह आपको अच्छा लगता है क्या? तो फिर कांग्रेस सपा बस कांग्रेस आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग क्यों खुश हो रहे थे? उनकी नियत में खोट है ना? आप मानते हैं उनकी नियत में खोट है ना? दाल में कहीं काला है ना? तो क्या फिर इनको वोट मिलना चाहिए क्या? इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं, जब मोदी जी कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए धारा 370 समाप्त करते हैं, पूरे देश में खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन कांग्रेस आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग शोक मनाते हैं, उनको खुशी नहीं होती, क्योंकि आतंकवाद में वोट बैंक की राजनीति इनको अच्छी लगती है। इनके लिए देश नहीं, उनके लिए दल महत्वपूर्ण है, और इसके लिए वे जनता की सुरक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कीमत पर राजनीति करते हैं। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, जनता जनार्दन की सेवा और जनता जनार्दन की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि आतंकवाद की जननी धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करेंगे। मोदी जी ने समाप्त किया, मोदी जी का अभिनंदन होना चाहिए ना? आप सभी सहमत हैं? अगर मोदी जी का अभिनंदन के लिए आप सभी सहमत हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, यही मोदी जी का अभिनंदन है। कमल छाप पर वोट दीजिए, यही मोदी जी का अभिनंदन है, आपका अभिनंदन मोदी जी तक पहुंच जाएगा। दूसरा, आपने देखा होगा इस देश का बनवासी, इस देश का हरिजन, इस देश का गिरजन, इस देश का सामान्य नागरिक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, प्रत्येक व्यक्ति जिसके श्वास श्वास में एक ही नाम सोता है, जगता है, खुशी में गमी में, हर एक क्षण कोई एक नाम जिसके श्वास श्वास में रसा है, वह नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। आप सब जानते हैं भगवान राम की महत्ता को, और फिर बिहार और झारखंड से तो भगवान राम का बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है, बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है। और भाइयों बहनों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, जो लोग राम के नहीं है वे आपके किसी काम के हैं क्या? तो यही तो कांग्रेस आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे थे,
ये लोग चाहते ही नहीं थे कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। अगर ये चाहते तो ये समस्या रहती क्या? आजाद भारत में समस्या रहती? कार सेवकों को अपना खून बहाना पड़ता, आंदोलन करना पड़ता? ये लोग चाहते नहीं थे कि समस्या का समाधान हो, क्योंकि ये स्वयं, ये दल स्वयं ही समस्याग्रस्त है, और इसलिए इन्होंने समस्या ही दी देश को। कहीं आतंकवाद की समस्या दी, कहीं नक्सलवाद की समस्या दी, कहीं पर भ्रष्टाचार की समस्या दी, कहीं पर आपके सम्मान के साथ सौदेबाजी करने का कार्य किया, और कहीं राम मंदिर के निर्माण में बाधा पैदा करने का कार्य किया। राम मंदिर में बाधा पैदा करके देश के सौहार्द को बिगाड़ने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और 6 महीने के अंदर राम जन्मभूमि का मामला समाधान हो जाता है। हम लोगों ने ठीक कहा था ना चुनाव के पहले? हम लोगों ने क्या कहा था लोकसभा चुनाव के पहले? हम लोगों ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो मुमकिन है। ये हो गया ना मुमकिन? कश्मीर में धारा 370 समाप्त और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आप सबका सम्मान बढ़ गया है। जो लोग राम मंदिर में बाधक थे, क्या उनको वोट पाने का अधिकार है क्या? कौन लोग थे? कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही सब लोग थे ना। ये लोग क्या कहते थे? ये लोग कहते थे कि हम अयोध्या में राम मंदिर कतई नहीं बनने देंगे। ये लोग कैसे कैसे भड़कीले नारे लगाते थे, कार सेवकों पर गोली चलाते थे, राम भक्तों को अपमानित करते थे, पाकिस्तान की भाषा बोलते थे। लेकिन आज तो ऐसा नहीं, आज तो लोकतंत्र की ताकत का एहसास दुनिया को हुआ है और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास भी दुनिया ने माना है कि शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से 500 वर्षों की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर उच्चतम न्यायालय के फैसले ने साबित कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के हमारा जनजातीय समुदाय, हमारा अनुसूचित जाति का भाई, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सभी राज्यों से भारी संख्या में कार सेवक आए थे। आप में से जो नौजवान आज यहां पर हैं, इन लोगों को राम मंदिर के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ा, ये सब सौभाग्यशाली हैं। लेकिन इनसे ठीक पहले की पीढ़ी ने बहुत बड़े आंदोलन किए थे राम मंदिर के, बड़े बड़े आंदोलन किए थे। भूखा रह करके अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए इन्होंने कार सेवा के लिए अपने आप को वहां पर जाकर के सर्दी में, गर्मी में, बरसात में डंडा खा करके, गाली खा करके, उसकी परवाह किए बगैर ये लोग वहां पे जाके लड़े थे। और आज उस ताकत का एहसास देश और दुनिया को हो रहा है और अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक बार पुनः भव्य भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होकर के पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ रहा है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं।